गोमती नगर में रो हाउस है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे इनके ये तीन घर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। लोग ही इतने सारे रहते हैं, मतलब कुछ कहने ये 80% बसा हुआ एरिया। 3 BHK ड्यूप्लेक्स फुल कंप्लीटेड, बहुत ही सुंदर बना है। तो मैं दो एंटीक चीजें अभी दिखाऊंगा जो आपने अभी तक किसी मकान में नहीं देखा होगा। विंडो लगा हुआ है UPVC का, 15 साल की इसकी गारंटी, लोन हो जाएगा। लखनऊ नगर निगम की प्रॉपर्टी है, दाखिल खारिज है और सभी बैंकों से लोन हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। मैं हूँ शिल्पी। तो आप लोगों की सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है वो ये रहती है कि गोमती नगर एरिया में घर दिखाइए, एंड दूसरी कंप्लेन आती है कि आपको सारे घर ऑलमोस्ट सेम टाइप के मिलते हैं। तो आज कुछ डिफरेंट और बहुत ही अच्छा घर आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। गोमती नगर में रो हाउस है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे इनके ये तीन घर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। CC रोड आपको यहाँ पे दिख रही है, गेट सामने लगा हुआ है। सोसाइटी आप देख सकते हो, पूरी भरी सोसाइटी है। लोकेशन एग्जैक्टली, बाकी सारी चीज़ें, प्राइस, घर कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। और डिटेल में बात करते हैं, विनय जी हैं मेरे साथ। हेलो विनय जी। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, तो हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं? हम लोग खड़े हैं इस समय गोमती नगर विस्तार में न्यू अमेठी यूनिवर्सिटी, जो मल्हर रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है। यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 से ये जो रो हाउस है ये 600-700 मीटर के डिस्टेंस पे है। और ये जो 600-700 मीटर ही एग्जैक्ट वाला है, एग्जैक्ट 600-700, इसलिए नहीं कि जैसे लोग कहते हैं कि मतलब 500 मीटर है और 500 मीटर कहकर 1500 मीटर लेके जाते हैं, 1500 मीटर या 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। आप अपनी गाड़ी से आए 600-700 मीटर इसको नाप लीजिए, उसके बाद तब आगे की बात हमसे करिए, नहीं अगर निकलता है उसके बाद की बात वही खत्म हो जाती है। और ये जो मकान बने हुए हैं ये करीब 12-14 मकान के गेटेड सोसाइटी बनेगी। इस मकान में 3 तरफ से एंट्रेंस है, एक जो उस तरफ सामने से आ रहा है इधर से, एक जो इस तरफ से आ रहा है सीधा, इधर भी गेट रहेगा, इधर भी गेट रहेगा, उसके बाद एक जो है आगे से थोड़ा सा घूम के आता है। तीन गेट रहेंगे? हाँ, नहीं मतलब गेट तो 2 रहेंगे लेकिन रास्ते ओवरऑल 3 यहाँ पे आते हैं। गेट के जस्ट सामने का ये जो रास्ता है ये सीधा किसान पथ निकल जाता है। किसान पथ की दूरी आपकी यहाँ से 2 किलोमीटर है। चलिए, किसान पथ भी आपको पास में ही मिल जाएगा। बाकी सोसाइटी आप देख रहे हो, पूरा आसपास ऑलरेडी ये देख सकते हो आप, यहाँ दुकानें ऑलरेडी बनी हुई हैं। लोग ही इतने सारे रहते हैं, मतलब कुछ कहने ये 80% बसा हुआ एरिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर हैं। आपको कोई भी एमिनिटीज चाहिए, जैसे अगर आपको जयपुरिया स्कूल जाना है, ESTP चौराहे के आगे आपको जयपुरिया स्कूल मिल जाएगा। उसके बाद CMS है, वो शालीमार वन वर्ड, मतलब CMS और जयपुरिया में हार्डली 200-300 मीटर की दूरी है। उसके बाद आप लखनऊ पब्लिक कॉलेज, लखनऊ पब्लिक स्कूल, सेंट मैरी स्कूल या अमेठी इंटरनेशनल स्कूल, अमेठी यूनिवर्सिटी के पास में तो खैर हम लोग हैं ही। हाँ। उसके बाद सहारा हॉस्पिटल जो मैक्स बन चुका है वो हो गया, या गोमती नगर रेलवे स्टेशन हो गया, मल्हौर रेलवे स्टेशन हो गया, फैजाबाद रोड हो गया। तो एमिटीज अगर हम शुरू करें तो फिर हम बोलते रह जाएंगे, वीडियो उसी से भर जाएगा। जी, तो सारी चीज़ें आपको 2 से 3 किलोमीटर के अंदर बेस्ट स्कूल, कॉलेज, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ये फ्रंट रोड जो घर के सामने है ये 22 फीट की रोड है। 22 आप हाँ 22 फीट की रोड है। और आप ये भी देख सकती हैं कि गाड़ी ऑलरेडी घर के सामने खड़ी है, किसी दूसरे के घर के बाहर भी नहीं गई। उसके बाद भी जो रोड है आपका, एक गाड़ी आराम से जा सकती है, अगर कोई बाइक वाइक खड़ी हो उसके बाद भी चली जाएगी। मतलब ये जो साइड की नाली है, नाली छोड़ के आपको 22 फीट की रोड यहाँ पे मिल रही है। और ये घर है 3 BHK ड्यूप्लेक्स फुल कंप्लीटेड, बहुत ही सुंदर बना है। मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है घर, मैं अंदर से देखिए घर क्या है कि सपना होता है और हम किसी के सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमने अपना घर बनाया तो मुझे ये सोचना चाहिए कि हाँ, किसी को अगर हम घर दें तो लाइफ टाइम हमसे जुड़ा रहे और वो आगे मतलब हमारा क्या कहते हैं, माउथ प्रचारक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कम से कम वो हमारा प्रचारक बन जाएगा कि हाँ भाई, इन्होंने जो मकान दिया। अब जैसे मैं मकान के बारे में अगर आपसे कहूँ तो मैं न्यू से लेकर के और इस मकान के कंप्लीट होने तक की वीडियोस दे सकता हूँ। इनफैक्ट अगर मैंने अंदर पाइपलाइन कौन सा डाला है उसका भी, कि सुप्रीम और एस्ट्रॉल की पाइपलाइंस आपको मिलेंगी, उसकी भी वीडियो मैं प्रमाण के रूप में दे सकता हूँ। चलिए, और मेरा तो खैर चैलेंज ही रहता है कि मैं जो बता रहा हूँ अगर वो नहीं निकलता है तो मैं मकान फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर दूंगा। अच्छा, और दूसरी चीज, आप यहाँ कोई ब्रोकर नहीं है, डायरेक्ट ओनर से ले रहे हो आप घर, तो यहाँ पे आपकी कोई ब्रोकरेज नहीं लगने वाली है। बिल्कुल, डायरेक्ट ओनर से ले रहे हैं, ओनर का घर भी यहाँ पास में है, जिनसे आप
से यू नो हमारे पड़ोसी बन जाएंगे जी। तो विनय जी से अभी तक जिन्होंने घर लिया है वो इनसे ऑलरेडी जुड़े हैं कि कभी कोई तकलीफ आती कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी जुड़े हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि मैंने जिनको भी अब तक मकान दिया है जिसको भी लेना है आप रिव्यू जिसको कहते हैं कस्टमर रिव्यू आप उनसे मिल करके भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि हमारा अब तक जिनको भी मैंने मकान दिया है पोजीशन दिया है एक भी कोई शिकायत करता सिंगल नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं और जल्दी से घर दिखाते हैं। आइए थोड़ा बहुत जो कुछ वर्क बचा है वो आपको फिनिशिंग के साथ होके ही मिलेगा ये तो आप जानते ही हो। 1000 square feet 25x50 जी। उसके अलावा जैसे हाउसेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो न्यू लोग देते हैं 3.5 feet पे देते हैं। हमारा आपका जो DPC कंप्लीट है ये करीब 5.5 से 6 feet पे मिलेगा और DPC से जो छत की हाइट है ये आपको 11.5 feet पे मिलेगी। देखिए छत की हाइट भी काफी अच्छी बनी हुई है। उसके बाद जब एंट्री पे हम लोग आते हैं आइए तो एंटी स्लिप टाइल्स आपको आपकी जो ये पार्किंग स्पेस है यहाँ पे आप स्कॉर्पियो जैसी कार को आराम से खड़ी कर सकते हैं। चलिए तो बड़ी गाड़ी भी आपकी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी इतनी स्पेस आपको मिलेगी। इधर एक छोटा सा लॉन भी मिल जाता है इस तरफ को टू व्हीलर डाल दीजिए या फिर मतलब गमले वगैरह कुछ भी अपने उस टाइप से। उसके बाद माइनस पीओपी जी। उसके बाद जो हमने ये लकड़ी डाला है ये लकड़ी पूरी आपकी मलेशिया साखू की है। हाँ, और पल्ले जितने हैं ये सागौन के हैं। अगर इसमें कोई काट देता है बढ़ई ले आइए चेक कराइए अगर आप फ्लॉप कर दीजिए हम मकान फ्री में दे देंगे। मतलब जो चीजें बोली गई हैं वो यूज की गई हैं कुछ भी ऐसा नहीं है। और डबल डोर आपको मिलेगा। उसके बाद प्रोफाइल देखिए प्रोफाइल डोर जो है ये मतलब हम यहीं पे बनवाते हैं बना बनाया जो आजकल लोग ले लेते हैं वो थोड़ा सा सक्सेस नहीं होता है। अच्छा वो थोड़े दिन के बाद दिक्कत होती है उसमें। चलिए डोर फ्रंट पे हमने जो है ये UPVC का 3-track वाला जो है विंडो दिया है। ये स्लाइडिंग विंडो दी है प्लस यहाँ पे थ्री ट्रैक पे है कि दो ग्लास का हो गया। एक मान लीजिए कि अगर आपने वेंटिलेशन के लिए खोला तो मच्छर वगैरह के लिए तो आप ये जाली लगा दो जिससे जो है आपको मच्छर नहीं आएंगे वेंटिलेशन मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि UPVC डोर जो लोग भी लगाते हैं वो ग्रेनाइट की फ्रेमिंग नहीं देते हैं ये ध्यान दीजिएगा। आपने तमाम वीडियोस बनवाया है तो नीचे लोग बेसिकली दे देते हैं लेकिन हर तरफ नहीं देते हैं। इससे क्या है कि ये आपका कभी भी टूट जाएगा बेकार हो जाएगा आपकी जो दीवार है जिस पर ये लगा है वो कभी बेकार नहीं होगा। उसके बाद जो ये विंडो लगा हुआ है UPVC का 15 साल की इसकी गारंटी है कि अगर ये थोड़ा सा भी पीला पड़ गया तो कंपनी चेंज करके दूसरा लगा के देगी। चलिए 15 साल की गारंटी मतलब घर में ठीक है पास कोई भी चीज मतलब अगर इनफैक्ट मैंने लाइट भी जो डाला है पैनासोनिक की है 2 साल की गारंटी है ऑन टेबल रिप्लेसमेंट है। चलिए तो ये हॉल है आपका आप देख सकते हो जी इस तरफ पूरा डिजाइन किया हुआ है अटैच वॉशरूम के साथ स्टाइल फॉल सीलिंग देख सकते हैं लाइटिंग देख सकते हैं टीवी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट करके मिल रही है अटैच वॉशरूम। मेहमान आए उनको आपके घर पे एंट्री अंदर मतलब इस तरफ आने की आपके प्राइवेट स्पेस में आने की जरूरत नहीं है वॉशरूम आप बाहर ही मिल जाएगा। काफी अच्छा स्पेस और काफी सुंदर सा हॉल मिल रहा है आपको। एंड इस तरफ किचन मॉड्यूलर किचन फुली मॉड्यूलर किचन है। किचन में कुछ बेसिक चीजें हम बताते हैं हो सकता है कि अभी तक ना देखने को मिली हो या हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद जो काफी लोगों ने वो कुछ सोचेंगे क्रिएटिव करने का और मतलब वो भी इस टाइप से कुछ कि हाँ हम भी करके हम भी ऐसा बनाएं। 2-3 चीजें हैं जैसे कि आपको ये जो मोल्डिंग आप देख रहे हो किचन में क्योंकि आप भी एक लेडीज हैं बेसिकली दिक्कत ये होती है कि अगर फ्लैट मोल्डिंग है तो आप यहाँ पे चाय बनाए दूध उबल गया या दाल है तो वो नीचे आ जाती है जिससे किचन में दिक्कत होती है। अरे सामान गिर जाता है कहीं। इसमें क्या है कि आप एकदम से साफ करते हुए लास्ट में लाके यहाँ पे दूसरी चीज जो इसमें मैंने सिंक दिया है ये हैंडमेड है ये कभी भी जैसे बहुत साउंड वाला नहीं जैसे हम स्टील वगैरह का डाल देते हैं तो बर्तन गिर रहा है कोई सो रहा है तो इरिटेशन होता है। दूसरी अच्छा, साउंड नहीं है नहीं एकदम आप देखिए ना कि थिकनेस जो उसकी है आप पीट के देखिए बर्तन गिरेगा तो साउंड नहीं बहुत आएगा। उसके बाद आप ये देखिए कि पीछे जो है पुट्टी पीओपी वगैरह करके लोग दे देते हैं मैंने पूरी टाइल्स लगवाया कि कभी सीलन की कोई समस्या जो है ना फेस करना पड़े। उसके बाद जो मैंने ऊपर का जो डोर दिया है इसमें हैंडल डालने से क्या होता है कि कल को हैंडल खराब हो गया तो डोर खराब हो जाता है क्योंकि वहां पे दोबारा हैंडल नहीं लग पाता है मैंने इसको हैंडललेस दे दिया है। बस नीचे से आप नीचे से हल्का सा खोलिए और उसके बाद जो है आपको ये भी साउंड प्रूफ मिलेगा कि आप इसको अगर तेज से भी बंद करती हैं तो बंद नहीं होगा अपने आप ही जाके बंद होगा वो धड़ाम से आवाज नहीं आएगी।
ये आपका डाइनिंग का स्पेस, इस तरफ डाइनिंग का स्पेस, यहाँ पे एक काउंटर बेसिन हम लगा के देंगे। हाँ, ये अभी वॉश बेसिन लगेगा यहाँ पे, वो बाकी है, अभी काम चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो। हाँ जी, फॉल सीलिंग काम रह गया है। फॉल सीलिंग आप यहाँ भी देख रहे हैं, इस तरफ भी सेम इन्होंने विंडो दी है, स्लाइडिंग विंडो है, मॉस्किटो नेट के साथ दी है। एक एंट्रेंस, सेकंड एंट्रेंस आपको इस तरफ मिलता है, अगेन यहाँ पे मॉस्किटो नेट डबल डोर के साथ मिलता है। अब इस तरफ आते हैं, दो रूम आपको मिल जाते हैं। ये आपका मास्टर बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है अटैच वॉशरूम के साथ। आप रूम देख सकते हो, फॉल सीलिंग हर जगह डिफरेंट है, मतलब हर रूम, हर किचन, हर जगह डिफरेंट फॉल सीलिंग है। इस घर की एक और अच्छी बात है कि दोनों तरफ से रोड है। हाँ, दोनों तरफ से रोड, दोनों तरफ से रोड। ये स्पेस मैंने स्पेशली इसीलिए दिया है कि आपको इसको वार्डरोब बना लीजिए, सिंगारदान बना लीजिए, या आप स्टोर बना लीजिए, स्टोर बना लीजिए, या कल को अगर आपको गेट खोलना है पीछे से, हाँ, तो इस स्पेस से आप गेट खोल लीजिए। पीछे की तरफ रोड है, तो अगर कोई गेट खोलना चाहे कि पीछे की साइड से चुपके से बाहर, तो ये भी आप यहाँ पे एक गेट बना सकते हैं। एंड वॉशरूम का एक्सेस, इस तरफ वॉशरूम है, वॉशरूम देखिए, वॉशरूम में भी ऊपर फॉल सीलिंग दी है, लाइट्स कितनी अच्छी है। और वॉशरूम में आप एक चीज और नोटिस करिएगा कि टाइल्स जो है वो आपको छत तक मिलेगी। हाँ, वही मैं कहने जा रही थी, ऊपर तक आपको टाइल्स मिलती, फुल 7 फीट होगा, नहीं 10 फीट, 10 फीट, 10 फीट, 10 फीट तक ऊपर तक आपको टाइल्स यहाँ मिल जाती है। जनरली लोग 7 फीट ही देते हैं। हाँ, 7 रहती है। तो यहाँ पे बाथरूम का एक्सेस आप देख सकते हो, आप इस रूम से भी ले सकते हो, एक वॉशरूम को आप दोनों रूम से एक्सेस ले सकते हैं। जैसा आपको बताया गया कि इस तरफ भी डोर है, क्योंकि दोनों तरफ गेट होने से ये फायदा मिल गया है कि दोनों तरफ से आपको वेंटिलेशन मिल रही है। आप ये विंडो खोल सकते हैं, कल को फ्यूचर में आप कोई कॉमर्शियल शॉप खोलना चाहें तो आप वो भी यहाँ पे खोल सकते, आप इसको कॉमर्शियल यूज भी ले सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक सेमी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। हाँ, सेमी कॉमर्शियल लोग होते हैं ना, दुकान वगैरह खोल लेते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आइए ऊपर चलते हैं, उसके बाद आप रेलिंग भी देख सकते हो, जो रेलिंग भी हमने डाल के दिया है, ये रेलिंग भी आपको पूरा मजबूत तरीके से मिलेगा, और पूरी सीढ़ी पे आपको जो है लाइटिंग, स्क्वायर की लाइटिंग मिलेगी। जी भाई, मैं देख रही हूँ काफी अच्छा, पूरा उस पे भी डिजाइन दी है। आपको मैं दो एंटीक चीजें अभी दिखाऊंगा जो आपने अभी तक किसी मकान में नहीं देखा होगा, वो आखिरी में भी दिखाऊंगा। अच्छा, अभी तक आपने अगर 1000 वीडियोस बनाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1000 वीडियोस में आपको एक मकान में कोई अभी तक वो चीजें नहीं दे रहा होगा। चलिए इधर आए, हमेशा आपको ये बंद मिलता है, मोस्टली आप आओगे ऊपर तो ये बंद, गेटेड सोसाइटी है, सेफ्टी है, तो आपको ये बंद करने की जरूरत नहीं है। एज अ बालकनी है, तो आप देख सकते हो पूरी बालकनी आपको इस तरफ मिल जाती है, इस तरफ छत है, छत बाद में देखते हैं, उससे पहले ऊपर का ये रूम देखते हैं। ये देखिए रूम भी काफी बड़ा है, बिल्कुल हॉल की तरह ना। हाँ। रूम का स्पेस आप देख सकते हो, आप फॉल सीलिंग यहाँ देख सकते हैं, किसी को एक रूम ऊपर किराए पे भी देना चाहे तो, वॉशरूम अटैच, और ये बढ़िया सी बालकनी जो है रूम के साथ अटैच बालकनी मिल रही है। यहाँ पे भी एक टैप मिलता है, हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए एक टैप हमने आगे दिया कि आप अगर इधर भी छोटा मोटा गार्डनिंग करते हैं, पौधे वगैरह रखते हैं, तो पानी के लिए आपको ना वॉशरूम में भागना है ना उधर भागना है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, उसके लिए भी इतनी स्पेस पूरा पर्याप्त है, और पानी भी नहीं आएगा ऊपर, पानी भी नहीं आना है, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, अदरवाइज पेड़ पौधे लगा सकते हैं, बालकनी आपकी जैसे सजाओ। चलिए ये छत दिखा देते हैं, आइए ये है छत, और ये देखिए पीछे वाली रोड इस तरफ दिख रही है आपको, जो पीछे की तरफ रोड थी, पीछे लाइन से आप देख सकते हैं कि सब लोग एकदम रह रहे हैं, बसे हुए हैं, और सब लोग अपना जो है अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, सब यहाँ लोग रह रहे हैं। एक टैप का पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिलेगा छत पे, कि इधर आपको धुलना है या गार्डनिंग इधर भी करना है, कुछ तो भी, पेड़ पौधे लगाइए आप, हर जगह पानी अवेलेबल है, पानी और लाइट हर जगह मिलेगा, पानी और लाइट अवेलेबल है। तो 1, 2, 3 घर है इनके, 2 सेम है, 1 डिफरेंट है, जिसे आप नेक्स्ट वीडियो में देखो। और एक चीज और आपको बता दें कि दोनों घर सेम तो हैं फ्रंट से, लेकिन अंदर से आपको डिफरेंट मिलेंगे। चलिए तो ये भी अच्छा है कि अंदर ये अगल बगल का पड़ोसी है ना सोचे कि मेरे घर का कलर भी तो वही है जो उनके घर का है। और फ्रंट के घर में एक बात और है, जो आपको पूरा बाहर का इनका दिख रहा है, सब पूरा टाइल्स लगा हुआ है, टाइल्स के साथ, टाइल्स में ये है कि आपको कभी पेंट पुताई बाहर नहीं करानी है, कभी नहीं, आप सिर्फ पानी से वॉश कीजिए और आपकी टाइल्स धुल जाएंगी, बिल्कुल नया हो जाएगा, चमकता रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल घर चमकता रहेगा। अब जैसे हम लोग मान लीजिए कि सब कुछ दिखाई दिए बाहर आ गए, मैंने आपसे कहा कि दो चीजें,
तो जिसमें पहली चीज आप देख सकते हैं कि कभी भी ऊपर वॉशरूम जब बनाते हैं लोग तो अक्सर कस्टमर्स को दिक्कत होती है कि वॉशरूम लीक कर जाता है और सीलन की समस्या घर के अंदर आती है। मैंने अपने वहाँ वॉशरूम को ऐसा अंदर से डिजाइन किया है ऊपर के कि कभी भी अगर मे बी वो लीक कर जाता है, क्योंकि पाइपलाइन है, पानी है, तो चांसेस है कभी अगर लीक भी कर गए इन फ्यूचर में भी, तो आप एक वहाँ देख रही पाइपलाइन निकला हुआ है, तो उस पाइपलाइन से जो है पानी बाहर आ जाएगा, वो इंडिकेट कर देगा कि ऊपर के वॉशरूम में आपके लीकेज हो चुका है, सीलन कभी अंदर नहीं जाएगा। चलिए, ये सब चीजें इसमें अच्छी हैं। यहाँ तक कि अगर हम जो मीटर से केबल निकलता है उस केबल को भी हम अंदर अंडरग्राउंड लेके जाते हैं कि कभी कोई बच्चा कट गया या मतलब बच्चे को लग गई, हाँ, किसी को लगे नहीं, हर चीज सेफ्टी का भी हमने ध्यान दिया है पूरे मकान। चलिए, तो काफी चीजें ध्यान में रख के घर बनाया गया है, बहुत सुंदर घर है, मुझे बहुत पसंद आया, आपको भी आया होगा। अब इसका रेट जान लेते हैं, जो कि सबसे जरूरी है, रेट क्या लगाया है? रेट तो मैंने अभी, चूंकि बहुत कॉमन छोटा ही रेट है, 62 लाख रुपए हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। बाकी अगर कोई आपके चैनल के माध्यम से आएगा, आपका नाम लेगा, तो उसका जो भी हम सम्मान कर सकते हैं उसके लिए जो बेस्ट रेट कर सकते हैं वो करके देंगे। चलिए, तो आप लोग कॉल कीजिए। लोन तो लोन सभी बैंकों से लोन हो जाएगा, लखनऊ नगर निगम की ये प्रॉपर्टी है, दाखिल खारिज है और सभी बैंकों से लोन हो जाएगा। चलिए, तो बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, कॉल कीजिए, आइए खुद से देखिए प्रॉपर्टी, विजिट कीजिए, देखेंगे तभी समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई घर देख रहा है उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।